नवाज शरीफ साहब की बेटी है, इस चैलेंज को उन्होंने खत्म करना है कि नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब की सिर्फ बेटी नहीं हूं, मैं अपनी हैसियत नवाज शरीफ का आखिरी चांस है, आखिरी मौका है उनके लिए, उसी तरह मरियम नवाज का पहला और आखिरी चांस है। और चौथा, चोरी शुदा मैंडेट और साथ मजबूत अपोजिशन, ये दो चीजें हैं ना, या टीम जीनियस हो या खुद जीनियस हो, खुद से तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई तजर्बा नहीं है, उस लैपटॉप से भी गर्ज नहीं है महर, वो जिसका ये कहती है ना आईपैड मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, उसके हाथ में ये टच मोबाइल है, आज वो बड़ा तेज है। ये मुल्क मंशूरों, तकरीरों, दावों, वादों, नारों का कब्रिस्तान है। मुझे दो सवाल हैं। पहला सवाल, ये खवातीन जो उनकी रेड लाइन है, ये सिर्फ मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों की खवातीन है कि सारी खवातीन है? इनके अपने मीडिया सेल ने घनौनी किरदार कुशी की, इनके होते हुए खवातीन ने आंसू गए, तशद्दद, मार कुटाई, फेंटियां सहती रहीं, इनके होते हुए खवातीन की चादर चारदीवारी पामाल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरियम नवाज वज़ीर आला का मनसब संभालते ही अपनी पहली तकरीर में कहती हैं कि मैं करप्शन मुल्क में किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी, और गुज़श्ता दौर में जो खवातीन के साथ जुल्म, ज़्यादती और चादर चार दीवारी की पामाली की गई, उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि ये सारा कुछ इनके दौरे हुकूमत में होता रहा। इस पर इरशाद भट्टी ने मरियम नवाज की ऐसी तारीखी चित्रोल की कि मजा आ गया। आए पहले इरशाद भट्टी की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। व्हाट्स अकॉर्डिंग टू यू, आपको भी इत्तेफाक है भट्टी साहब, एक तकरीर, एक इनॉग्रेटिंग तकरीर के हवाले से इट हिट ऑल द राइट स्पॉट्स। देखिए, खुदा के लिए, ये अपने सियासतदानों को जब हम देखते हैं तो लगता है तकरीरी मुकाबलों में आए हैं। ख्याली पुलाव अमली तौर पर कुछ नहीं, हवाई बातें अमली तौर पर कुछ नहीं, और ये मुल्क मंशूरों, तकरीरों, दावों, वादों, नारों का कब्रिस्तान है। मुझे दो बड़ी हैरत अंगेज तौर पर उनकी इस तकरीर में, एक करप्शन मेरी रेड लाइन है, अब मैं उसमें हुदैबिया, अलजीजिया, फ्लैगशिप, एवनफील्ड, टीटी स्कैंडल, रमजान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, कतरी खाट, ट्रस्ट डीड, कैलबरी फाउंड, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी और मेरी बैरून ने मुल्क के अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, सब छोड़ दें। दूसरा, ये क्या इस पर बात करनी है, इस पर तो हंसी आती है। दूसरा, खवातीन मेरी रेड लाइन है, अब मैं जमायमा खान, आयशा, बुशरा बीबी को तो छोड़ें, वो तो शायद खवातीन उनकी नजर में नहीं, वो तो मुखालिफ की खवातीन। अच्छी बात, अच्छा लगा यह सुनकर, अल्लाह करे ऐसा हो। मगर दो सवाल हैं। पहला सवाल, ये खवातीन जो उनकी रेड लाइन है, ये सिर्फ मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों की खवातीन है कि सारी खवातीन है? दूसरा, ये अचानक खवातीन रेड लाइन कैसे हो गई? इनके होते हुए तरीके इंसाफ की खवातीन, इनके अपने मीडिया सेल ने घनौनी किरदार कुशी की, इनके होते हुए खवातीन ने आंसू गए, तशद्दद, मार कुटाई, फेंटियां सहती रहीं, इनके होते हुए खवातीन की चादर चारदीवारी पामाल हुई, इनके होते हुए खवातीन की हवाले से बात बेडरूमों तक पहुंची, इनके और इनके होते हुए अभी चंद दिन पहले जो साफी खवातीन के साथ जो मुनज्जम तरीके से बिलो द बेल्ट किरदार कुशी हुई है, उसमें मुझे बताइए, उस वक्त मरियम नवाज, उस वक्त नहीं, सिर्फ मेरा सवाल यह कि उस वक्त यही मरियम नवाज साहबा थी कि इस खवातीन जब रेड लाइन हो, करप्शन रेड लाइन हो, तो उसके लिए इकतदार में आना जरूरी होता है। बात करें, गुज़िश्ता दिनों नून लीग की जानिब से सोशल मीडिया पे एक मुहिम खवातीन सहाफियों के खिलाफ, मेरे अगेंस्ट भी, आपके अगेंस्ट भी, और भी बड़ी खवातीन है, हर हद अबूर कर दी गई। आपको ताजुब हुआ आज जब मरियम साहिबा ने औरत की हराजगी को अपनी रेड लाइन करार दिया? जी बिल्कुल, मैं अपना पहला कमेंट पूरा कर लेती, तो मैं भट्टी साहब से वैसे एग्री करती हूँ जो ये कह रहे हैं। तकारीर की हद तक ये अच्छी बातें होती हैं, अमल का तो खैर अभी उन्हें मौका मिलेगा तो देखेंगे, लेकिन ये जो खवातीन वाली बात है, मुझे इस पर जरूर दो मिनट दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड, उसको लेकर हम हमेशा ये बात करते रहे कि वो एक लाइन, सर्टन लाइन क्रॉस करते हैं जब वो ट्रोल करते हैं, जब वो सोशल मीडिया पर इख्तलाफ करते हैं, बल्कि आपको याद होगा कि हमने उनके दौर में एक पूरा पेपर भी निकाला था खवातीन सहाफियों ने। हमारे माशरे की बदकिस्मती है वो ये है कि खवातीन को टारगेट करना, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना आसान तरीन काम है। हम उन पर तनकीद करते हैं ना कि सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाइट ईयर्स अहेड है आपसे व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मीडिया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने उसका ये मतलब ले लिया कि आप जाएं और जाके खवातीन को, सहाफियों को इन जनरल जो आपसे तनकीद करता है उसको गालियां निकालें, उसकी किरदार कुशी करें, उसके बारे में ऐसी ऐसी गलीज लग गुफ्तगू करें कि जो यहाँ पे दोहराई भी नहीं जा सकती है। मुझे लगता है कि बुशरा बीबी तो बहुत ही ज्यादा एक ऐसा स्पॉट है कि अगर उनके हाथ में कोई आप बात कर दें तो फिर तो वो आपको बिल्कुल नहीं बख्शते। और मेरे साथ भी खैर यही हुआ क्योंकि मैंने उन्हीं के हवाले से अपने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मानिका साहब की गैरत 5 साल पहले कहां थी, अब क्यों जोश मारा है उसने, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बस वो एक मेरा जुमला लगाकर जो तूफान बदतमीजी वपा किया गया, वो मेरा ख्याल है, मुझे आपको मैं नहीं कह सकती कि आप समझ नहीं सकती, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि जो आपके साथ किया
सोशल मीडिया के ऊपर। मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अक्सर जब हम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को ये बात कहते हैं कि आपकी सोशल मीडिया ब्रिगेड्स जो है वो आके हमें ट्रोल करती हैं, हमें गाली निकालती हैं, हमें थ्रेट्स देती हैं, हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन करती हैं, तो वो कहते हैं जी ये तो एक आम यूजर है जो हमारा सपोर्टर है, हम कोई ऑर्गेनाइज तरीके से थोड़ी किसी से ये काम करवाते हैं। मैंने जिस अकाउंट को जाकर खोल कर देखा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर लीडरशिप उस अकाउंट को फॉलो कर रही होती थी, बल्कि बेशतर अकाउंट्स को मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद फॉलो कर रही होती थी। तो सवाल यहाँ पर सिर्फ यही पूछना है कि आप अगर किसी को कहते नहीं है कि आप जाके मेहर बुखारी को, फरिया इदरीस को, मारिया मेमन को, यश्मीन जमाल को ट्रोल करें, उन्हें थ्रेट्स दें, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, तो कम से कम आप एक ट्वीट करके अपने फॉलोअर्स को ये तो कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा ना करें। यूथ पे फोकस करने का भी मरियम साहिबा ने कहा, मरियम साहिबा नौजवान नस्ल जिसका वोट आज इमरान खान के पास है उसको कायल करने में या मुतासर करने में हो जाएंगी कामयाब? देखिए, ये जिस तरह शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस और शहबाज शरीफ का आखिरी चांस है, आखिरी मौका है उनके लिए, उसी तरह मरियम नवाज का पहला और आखिरी चांस है और मुस्लिम लीग नून का पंजाब में पहला और आखिरी चांस है। मुस्लिम लीग नून के बारे में जो लोग गली मोहल्लों में इस इलेक्शन के बाद जो उनकी हाल हुआ है कि जिसमें आप नवाज शरीफ साहब की लाहौर वाली सीट मशकूक हो जाए, फार्म 45 कहते हैं खुल जाए तो हो सकता है वो हार जाए, फार्म 45 खुल जाए तो हो सकता है 17, 21 या 30 सीटों से ज्यादा ना हो, तो ये उनके लिए आखिरी चांस है। इसमें नवाज शरीफ साहब की जो असली और वधिया यूथ है, वो वाली नहीं, मम्मी डैडी फैन क्लब नहीं, जो जिसने इलेक्शन साइंस बदल दी, 76 साल तारीख बदल दी जो मम्मी डैडी और बर्गर फैमिली ने, वो नवाज शरीफ साहब की असली और वधिया, उसको ये कोशिश करेंगे। लेकिन इशू ये है कि मरियम नवाज साहबा के कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। एक तो वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। इस चैलेंज को उन्होंने खत्म करना है कि नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब की सिर्फ बेटी नहीं हूं, मेरी अपनी हैसियत है, उनको पार्टी मिली नवाज शरीफ साहब की बेटी, उनको वजारत आला मिली नवाज शरीफ साहब की बेटी, ये क्या गया? दूसरा, तजर्बा नहीं है, ना तजर्बा करो, पंजाब आधा पाकिस्तान है। तीसरा, सियासी नफरत और तकसीम है और मरियम नवाज इस हवाले से जानी पहचानी जाती हैं, उनका वो हार्ड लाइनर है, अग्रेसिव है, इंतकामी सियासत और चोरी शुदा मैंडेट और साथ मजबूत अपोजिशन। तो इसमें इतना बड़ा पंजाब, इतने बड़े मसाइल और इतने बड़ा चैलेंज, इसमें बातें तो सारे खूबसूरत करते हैं उनके लिए, मगर इनका टीम की सिलेक्शन बहुत गैर मामूली अहमियत की हामिल होगी। यू हैव टू सी के हु शी चूजेस टू सराउंड हरसेल्फ विद। देखिए, दो चीजें हैं ना, या टीम जीनियस हो या खुद जीनियस हो। खुद से तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई तजर्बा नहीं है, और अब आगे टीम, तो टीम कौन सी वाली होगी? शहबाज साहब वाली, नवाज शरीफ साहब वाली, और अभी तो आगे मसाइल बड़े हैं ये इस मुल्क के जो। मगर आप अभी स्पीड देखें ना यशवीन, मरियम साहिबा वजीर आला का हल्फ उठाने के बाद ही 3 अहम तरीन इजलास उन्होंने तलब कर लिए, एक थाने का दौरा किया, खातून के थप्पड़ मारने का नोटिस दिया, यूथ के लिए बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। ये तो शहबाज स्पीड का मुकाबला है, और अगर इस रफ्तार पे चल गई, डू यू थिंक शी विल बी एबल टू डिलीवर? देखिए, ये तो आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड सी, ये तो देखना पड़ेगा कि कितना डिलीवर करने में कामयाब होती है। लेकिन आप दुरुस्त कह रही हैं, मैंने भी जब उनका बैक टू बैक देखा कि वो यहां चली गई, अब वो सरप्राइज विजिट पे चली गई, तो लगा यही कि वो शहबाज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहीं मैच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात आपने जो यूथ के हवाले से कही, मुझे लगता है कि पीएमएलएन का, मरियम नवाज शरीफ साहब का यूथ को लेकर ना पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव है या पूरा जो एक आउटलुक है वो सारा फ्लॉड है। पीएमएलएन जब ये कहती है कि हम डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, हमने वोटरवेज का जाल बिछाया, तो वो ये भूल जाते हैं कि जो एक 30 साल का इंसान आज है, जो या शायद यूथ की कैटेगरी में कहीं कॉल करता होगा, उसके पैदा होने से पहले आपने वो मोटरवे बनाई थी, उसने जिंदगी में हमेशा वो मोटरवे देखी है, उसके लिए वो कोई ऐसी अजूबे की चीज नहीं है कि आप उसको सेल करें और कहें जी कि ये हमने आपको दिया, बिकॉज उसके लिए तो इट्स अ गिवन होती है सड़कें इस मुल्क के अंदर। ट्विटर बहाल कर दें, फिर वाईफाई भी दे दें। नहीं, उस यूथ को उस लैपटॉप से भी गर्ज नहीं है महर, वो जिसका ये कहती है ना आईपैड मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, उसके हाथ में ये टच मोबाइल है आज, वो बड़ा तेज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक पुराने स्लो प्रोसेसर वाले लैपटॉप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको एक लैपटॉप देंगे तो उससे वो यूथ आपकी तरफ माइल हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक आउटलुक था ना कि नेशनलिज्म को, पेट्रियाटिज्म को आपके अंदर उठाना, आपको अपने मुल्क के साथ रिलेट करना सिखाना, आपको ये कहना कि जी आप जो है वो गुलाम नहीं है, आप अपनी जो है वो आप एक सेल्फ वो है, रिलायंट कॉम है, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो जो नैरेटिव है। आपने इरशाद भट्टी और यस्मीन जमाल की गुफ्तगू सुनी। इरशाद भट्टी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मरियम नवाज कहती हैं कि मेरी पहली तरजीह मुल्क में से करप्शन को ख़त्म करना है, ये मेरी रेड लाइन है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग, पनामा केस और बैरून मुल्क क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं, ये सारा कुछ मरियम नवाज ही कहती रही है। और फिर जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया वो सारा कुछ आप देख चुके हैं। इरशाद भट्टी ने कहा कि मरियम नवाज कहती हैं कि ख्वातीन मेरी रेड लाइन है, इन पर जुल्म ज्यादती और जबर किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इनके दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा औरतों पर जुल्म और तशद्दुद हुआ, औरतों की चादर चार दीवारी की पमाली इनके दौर में ही की गई।
इरशाद भट्टी ने कहा कि ये सारा कुछ कहने को तो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा लगता है, मगर हकीकत इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, दावे करते हैं, मगर ये जो दावे करते हैं उसमें से अवाम को कुछ भी हासिल और वसूल नहीं होता। इरशाद भट्टी ने कहा कि अगर मरियम नवाज को ख्वातीन का इतना ही ख्याल है तो इनके दौरे हुकूमत में ख्वातीन के साथ जो जुल्म ज्यादती की गई, चादर चार दीवारी की पामाली की गई, उस पर यह कम अज़ कम मजम्मत तो कर सकती थी, मगर इन्होंने ये भी नहीं किया। ये अवाम को दिखावा है और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।